ऐसा कौन सा घटिया सवाल पूछते हैं, उस लड़की को कितना गुस्सा हो गई। हाँ हाँ देखिए ना, ये कैसा लग रहा है, रहा है। हाँ, अच्छा है ना, ये भी अच्छा। ये सब क्या हो रहा है? आई फाइनली शादी के लिए हाँ कहने से इस घर को और फैमिली को एक नया जन्म मिल गया। जन्म क्यों माँ, है ना? बिल्कुल सही अर्जुन बेटा, तू आ गया ना, तो देख ये हम ना अनु के लिए कुछ ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, तू भी आके पसंद कर लेना। नहीं भाई, पहले ये शेरवानी ट्राई करेंगे। भाई इसमें आप पहना एकदम कूल लगोगे। सगाई में सबसे ज्यादा जरूरी होती है अंगूठी। अर्जुन आ जा बेटा, अपनी अंगूठी का साइज दे दे। अर्जुन सबसे पहले तो फेंकू। अरे इतना स्मार्ट लड़का को तुम फेंकू बोल रही हो? नहीं बबलू जी, अरे हम तो ये कह रहे थे कि शादी में सबसे जरूरी होता है फेसल। सबसे पहले गोल्ड फेसल करवाना सगाई में। दादी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी बेटा? अगर अनु यहाँ होती ना तो ये बहुत पहले हो गया होता। बेटा अनु आ गई है दादी, और मैं भी कहीं भागा नहीं जा रहा। जो लोग ऐसा कहते हैं वही भागते हैं। ठीक है, आप सबको जो करना है आप कीजिए, मैं अपने कमरे जा रहा हूँ। लेकिन पसंद तो कर ले। अरे एक्सक्यूज मी, ये सब तो मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। ठीक है, मैं भी शादी कर लूंगा, लेकिन तारीख, जगह, वक्त और लड़की सब मेरी मर्जी के होंगे। रुकिए रुकिए भैया। हमारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत है, और न जाने कितनों की उम्मीद है। हमारा घर है, और ये घर टिकाऊ नहीं है। हमें पापा को बताना होगा। आश्रम नीलाम हो रहा है तो होने दे। पापा आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? आप ही तो कहा करते थे। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जा मिश्री। दुनिया तेरे बाबा को खूनी कह रही है, अपराधी मान रही है, और यही सच्चाई है। तू भी इसे मान ले ताकि जिंदगी आसान हो जाए। नहीं चाहिए हमें आसान जिंदगी, हमें अपने बाबा चाहिए, अपना आश्रम चाहिए। और दुनिया ने दोनों का मोल लगा दिया है बेटा, तो आश्रम के बाकी बच्चों की तरह अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? सब कुछ भुलाकर तू नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? आपके बिना मैं बूढ़ा कहां तक तेरा साथ दूंगा, कहां तक चल पाऊंगा तेरे साथ? ये जेल, ये उम्र कैद, इन सब बातों से मैं नहीं टूटता, लेकिन तुझे इस हालत में देख के बेटा मैं टूट जाता हूं। अब मुझे इस उम्र में और दर्द मत दे मिश्री। सोचा था एक दिन आश्रम से मैं तुझे विदा करूंगा, अब तू अपने बाबा को हंसते हंसते विदा कर। लॉयर पे भरोसा नहीं है तो उन्हें बोलो कोई और ढूंढ ले, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। हाँ बाय द वे, प्यार से इरिटेट होके डिवोर्स लेने वाले लोगों की शहर में कमी नहीं है। अंडरस्टूड? और बाकी की मीटिंग जो है स्केड्यूल रखना। बाय। बेटा तुझे याद है ना, तुझे अन्नू को शॉपिंग लेकर जाना है। एक्चुअली क्या कर रहा है बेटा, सुकून से नाश्ता तो कर ले।
हाँ बेटा ये ले थोड़ा और ले ले। पेट भर गया मेरा और ऑफिस में बहुत बहुत सारा काम है। अब आप वैसे ही शादी के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आप अनु की शॉपिंग भी करा दीजिए। अरे बेटा तू जाता था तो अच्छा था ना। रहने दे कल्पना, ये अगर हमारे साथ शॉपिंग पे गया ना तो बेकार में चिड़चिड़ करता रहेगा और हमारी शॉपिंग का मजा भी खराब करेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। अरे नाश्ता तो कर ले प्लीज प्लीज। अच्छा माँ मैं सोची थी कि शॉपिंग के बाद हम केटर के पास भी चलेंगे। टाइम निकले जा रहा है अर्जुन, सैटरडे से पहले कोई लड़की ढूंढ ले वरना उस अन्नू से ही शादी करनी होगी। दुनिया तेरे बाबा को खूनी कह रही है, अपराधी मान रही है, तू भी इसे मान ले ताकि जिंदगी आसान हो जाए। बूढ़ा कहां तक तेरा साथ दूंगा, कहां तक चल पाऊंगा तेरे साथ, सब कुछ भुलाकर तू नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकती। अरे मैम देख के क्यों नहीं चल रही हो। बेटी तू ठीक तो है? अरे अम्मा ही तो बड़ी भुलक्कड़ है, हर बार आशीर्वाद लेना भूल जाती है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि नानी का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। बस बेटा खुश रहे, खुश रहे। चाची देखिए कौन आया है। अरे नमस्ते माँ जी, आप लोग खुश रहे बेटा। अचानक कैसे आना हुआ? वो बस शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी तो सोचा दुल्हन को भी साथ ले जाए इसलिए आ गए। अनु बेटा तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है जरा हमें बताओ, क्योंकि तुम्हारे शादी के सारे कपड़े वहीं से बनवाएंगे। हाँ बेटा। मैं तो लोगों की उतरन पहनकर ही बड़ी हुई हूँ, मुझे ये डिजाइनर वगैरह का बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा फिर तो ठीक है। अरे फिर तो बाबा कोई डिजाइनर है बाजार चलते हैं ना। अरे किसी भी दुकान से सामान खरीद लेंगे, राम भला करे अम्मा पैसे भी बच जाएंगे। अन्नपूर्णा अवस्थी की नातिन चाहे तो पूरा शहर खरीद सकती है, उसे पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। यशोदा कल्पना जी माँ जरा अनु को लिस्ट तो दिखाओ। जी ये देखो अनु बेटा, इस लिस्ट में शहर के बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम लिखे हुए हैं। तुम जिस भी डिजाइनर के नाम पे उंगली रखोगी तुम्हारी शादी की खरीदारी वहीं से होगी। छोटा सा सेंटी डायलॉग मारो बुढ़िया फौरन फंस जाती है। अब देखिए मैं आपका कितना खर्चा कराती हूँ नानी माँ। नानी माँ इनको बुला ले। अगर कुछ करना ही है तो जाके अच्छा सा वकील ढूंढिए। मैं तुम्हारा केस लूं। I'm guessing 25 लाख। अनाथ आश्रम के केस को लेकर जनता में गुस्सा, सारा शहर हुआ स्वामी जी के खिलाफ। हाय मम्मी ऑटो का मीटर ना हुआ, घोड़ा हो गया है, भागे ही चला जा रहा है। भैया भैया रुक जाइए। इम्तिहान लेती विषय माइंड नहीं करती, पर आप तो हमसे बड़ा सब कुछ ही ले लेना चाहती हो। हमारे मम्मी पापा को अपने पास बुलाकर आपका मन नहीं भरा क्या, जो आपको हमारे बाबा और आश्रम में चाहिए? छोटी सी रिक्वेस्ट करें आपसे, आगे से ना किसी मिश्री को अनाथ बने ही बना देना।
भागकर गरीब मत बनाना। अग्रू का ऑफिस है। माता रानी किसी का रास्ता बंद नहीं करती, इंसान खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंख खोलो, रास्ता सामने है। क्या पंडित जी इसी रास्ते की बात कर रहे थे? हो ही नहीं सकता। हमारे सर बाहर से कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से ना एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल मूंग के जैसे। ऐसे आदमी पर कैसे विश्वास कर ले जिसने हमसे हमारी शादी का सौदा करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बताइए ना क्या करना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पुलिस स्टेशन से फोन। हेलो, हाँ मिश्री जी, वकील का इंतजाम हुआ? सर हम ढूंढ रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सर। टाइम खत्म मैडम। अगर कल तक आपके डिफेंस लॉयर ने वकालतनामा पेश नहीं किया ना तो स्वामी जी को सरवाइव का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कल तक आप वकील ढूंढ लीजिए, नहीं तो स्वामी जी को कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। नहीं नहीं सर, कल तक वकील का इंतजाम हो जाएगा। हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पापा से ज्यादा नहीं। अब तक वो हुआ जो कभी नहीं सोचा था, शायद अभी भी ऐसा ही हो। हमारी मजबूरी सुन के शायद इस अकड़ू का मन पिघल जाए। अनु अभी तक आई नहीं ना? हाँ देखो, बाप रे बाप। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अनु ये क्या पहना हुआ है? चाची मत रोकिए ना, हम लोग सब शॉपिंग पे जा रहे हैं। भाभी ये वो ड्रेस है का जो हम और बबलू जी इकोई के 5वें बर्थडे पर दिए थे? आई नो मैं अमेजिंग ही लग रही हूँ लेकिन पूरा दिन तुम मुझे देख के नहीं निकाल सकते ना। लेट्स गो। देखो हम शादी करेंगे लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है मेरी बीवी बनने के लिए एक साल तक बस। Come in. दरअसल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने कहा कि वकालतनामा फाइल करने के लिए कल लास्ट दिन है और अगर फाइल नहीं किया तो बाबा को जेल हो जाएगी। बाबा को जेल हो गई तो हम सब टूट जाएंगे, ना वो ये सदमा सह पाएंगे ना हमारे आश्रम के छोटे छोटे बच्चे। आप हमारी मदद करके सिर्फ एक की नहीं कई
कई सारी जिंदगियां बचा लोगे। बाबा हमारा सब कुछ है और हमारा सब कुछ दांव पर लगा है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम तैयार हैं। तैयार हो? हम एक साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हैं। हमारे बाबा को और आश्रम को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बताइए कहाँ करना है सर? कीमत दे दो, मदद कर दूंगा। 25 लाख। पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तुम मुझसे शादी कर लो। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली से हो, फिर भी हमारी मजबूरी का फायदा क्यों उठाना चाहते हो? मैं सिर्फ फायदा करा रहा हूँ अपना, एज बोनस साथ में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हम ही बेवकूफ थे जो उम्मीद लेकर आपके पास चले हैं। भूल गए थे कि किसी की मजबूरी को देखकर दिल पिघलते हैं। एटीएम नहीं, इस दुनिया में अकेली तुम ही मजबूर नहीं हो। देखो ऑफर सिंपल है, तुम्हें एक वकील की जरूरत है अपने बाबा के केस के लिए और मुझे एक नकली बीवी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपके नाश्ते में बेशर्मी के पराठे खा के निकलते हो? ये जो आपका महंगा सूट है ना, ये सूट, आपकी ये महंगी गाड़ी, ये जूते, आप सब कुछ पहनना बंद कर दो। आपकी करोड़ों की गाड़ी को आग लगा दो, क्योंकि ये सब मिलके भी ना आपकी चीप थिंकिंग को छुपा नहीं पा रहे। चीप थिंकिंग क्या हो? ऐसे तो रोज 50 किलो अंग्रेजी झाड़ते रहते हो और आपको चीप थिंकिंग का मतलब नहीं पता? देखो, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। गुस्सा तो उस पर आता है जो जानता हो कि वो गलत कर रहा है, मगर जो अपने किए गलत को भी सही मानता हो उस पर गुस्सा नहीं, तरस आ सकता है। आपने कभी एक खालीपन सा फील किया है? What खालीपन? मेरे बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है और मेरे फाइल्स में केस। और जिंदगी खाली है और हमेशा खाली ही रहेगी। हम तैयार हैं। तैयार हो? हम एक साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हैं। हमारे बाबा को और आश्रम को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बताइए कहाँ करना है सही? क्योंकि जिंदगी को सजाने के लिए कैश या आपके कोर्ट की केस नहीं, प्यार की जरूरत है। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। प्यार तो आप डिजर्व ही नहीं करते और कभी मिलेगा भी नहीं। ये हमारे दिल की दुआ नहीं है वकील साहब, ये तो फैक्ट है। क्योंकि प्यार ना माता रानी का सबसे अनमोल तोहफा होता है और ये तोहफा वो सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों को देती है जिन्हें उसकी कदर होती है। कमाल की बात है ना, हम तो अनाथ होते हुए भी कभी अकेले नहीं पड़े, मगर आपके साथ आपकी पूरी फैमिली होते हुए भी आप हमेशा अकेले थे और हमेशा अकेले रहेंगे। ये देखिए आंटी जी, ये लाल वाला। और ये वाला देखिए, ये तो करीना ने अपनी लेटेस्ट मूवी में पहना था, सेम टू सेम।
भाई साहब कुछ खास मजा नहीं आया, कुछ और दिखाइए ना। भाभी तभी तो हम कह रहे हैं सराफा बाजार वाले साड़ी वाले को बुला लो, ये डिजाइनरों के टंटे खत्म नहीं होते। हाँ कुछ महंगा वाला दिखाइए ना। हेलो मैडम, कहाँ है आप? अरे यहाँ पे स्वामी जी ने सुसाइड अटेंड किया है। क्या? यस मिस्टर चावला। आज सर काम बन गया। व्हाट मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई रेडी है? तुमने सारी डिटेल्स बता दिए ना उसे? जी सर। दैट्स ग्रेट, मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ, तुम उसे। Are you mad? हम तैयार हैं। तैयार हो? हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हैं। हमारे बाबा को और आश्रम को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बताइए कहाँ करना है सर? एक बार फिर से सोच लो, साइन कर दिया फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। सोच लिया, बताओ कहाँ साइन करना है? ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेशन भी रेडी होगा, और ये अग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी गई। ये एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते, और मैं भी नहीं बताऊंगा। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेशन भी रेडी होगा, और ये अग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी गई। ये एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते, और मैं भी नहीं बताऊंगा। हम तैयार हैं। तैयार हो? हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हैं। हमारे बाबा को और आश्रम को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बताइए कहाँ करना है सही? एक बार फिर से सोच लो, साइन कर दिया फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। सोचिए, एक असली नहीं नकली शादी होगी, एक ऐसी शादी जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स्ड है। क्या हुआ, अभी से ही अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा? हमारे बाबा हमेशा कहते हैं कोशिश करो तो पछताने की नौबत नहीं आएगी। बाबा के लिए ये हमारी आखिरी कोशिश ही तो है। ये मेरी भी आखिरी कोशिश है अपने लिए। तो आगे क्या? ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेशन भी रेडी होगा, और ये
एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। भाई साहब कुछ खास मजा नहीं आया, कुछ और दिखाइए ना। कुछ महंगा वाला दिखाइए ना। आई मीन रिच क्लासी सा। अब आप लोगों के साथ खड़ी होंगी तो कुछ अच्छी तो दिखनी चाहिए ना। आसमान चांद से रोशन होता है, चांद आसमान से रोशन नहीं होता। आप अपना सबसे महंगा लहंगा दिखाइए। अम्मा का कर रही हो? एक ही जिंदगी में एक सारे शौक पूरे कर दोगी का? ये देखिए मैम, सोने की तार का काम देखिए, एवरग्रीन पीस है, सिर्फ 23 लाख। अनु इन लोगों का इतना खर्चा कराएगी? बेटा कुछ सस्ता सा देख लेना। चाची आप ठीक ही कह रही हैं, मैं इतना महंगा लहंगा कैसे ले सकती हूँ? मेरे लिए सस्ता ही ठीक है। अरे वही तो हम कह रहे हैं, कितनी सयानी लड़की है ना। मोल भाव समझौतों में होता है यशोदा, सपनों में नहीं। अनु और अर्जुन की शादी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। आपके पास इससे बेहतर कुछ हो तो वो दिखाइए। ये देखो, शहर में अगर ऐसा दूसरा पीस मिल जाए ना तो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। इसे देखा तो बहुतों ने पर खरीदने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। काहे? कीमत सिर्फ 25 लाख। वाओ कितना प्यारा लहंगा है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, अग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि वजह तुम मेरी मदद कर रही हो और इन रिटर्न मैं तुम्हारे बाबा का केस लड़ूंगा। इसमें बाकी सारी डिटेल्स भी है, जैसे कि वक्त, 1 साल एक्सेट्रा। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बताऊंगा। इस तरह हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएंगे। शादी में सच होता है, विश्वास होता है, दुल्हा दुल्हन होते हैं, पर इस शादी में सौदा है, शर्तें हैं, मजबूरी है। यस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं दादी माँ की पसंद के साथ सारी लाइफ नहीं बिता सकता, इसलिए इस लड़की के साथ 1 साल बिताऊंगा। ये मेरा धोखा नहीं, मेरी मजबूरी है। I'm very very sorry दादी। Sorry मम्मी, पापा को छोटे केस से बचाना हमारी मजबूरी नहीं, फर्ज है। इसीलिए मिश रिमाइंड नहीं करेगी, हम हंसते हंसते ये कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करेंगे। तुझे ये पसंद है अनु? तो फिर हमें भी पसंद है। भाई साहब अनु का मेजरमेंट ले लीजिए। अम्मा वो हम का कह रहे थे कि राम भला करे, अब गठरी खुली गई है तो एक आध हम भी ले ले। क्या जरूरत है, सराफे बाजार वाली साड़ी की दुकान पे चली जाना, वहां से ले लेना। ये अम्मा हमको गोद ली है का? थैंक यू नानी। थैंक यू बेटा, मुस्कुराते तो हम तेरे आने से पहले भी थे, लेकिन असली खुशी क्या है वो तेरे आने के बाद ही जाना है। नर्वस हो रही हो? देखो हम एक दूसरे पे भरोसा करने से तो रहे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे करके देख लेते। भरोसा उठाने की ताकत सिर्फ इंसान में होती है। पानी के एक बूंद से गल जाने वाले इस कागज के टुकड़े में नहीं होती। और हम बाबा के लिए ये भी करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। I know. और कोई रास्ता भी तो नहीं।
शायद अनु और अर्जुन का नाम साथ में देखने के लिए ही हमारी आंखें अब तक खुली हुई थी, और खुली आंखें तो नम हो ही जाती हैं। दूसरे वाले कार्ड का सैंपल दिखाइए। सगुन राम भला करे, अम्मा ये कोनो माता रानी का इशारा तो नहीं? यशोदा कैसी बातें कर रही हो? आप भाई साहब दूसरा कार्ड दिखा दीजिए ना। इट्स ओके नानी, सैंपल खराब होने से कुछ नहीं होता। मेरे और अर्जुन की तो शादी होकर ही रहेगी, ये बात भी पक्की है, और इन कार्ड पर लिखे नामों की इंक भी उतनी ही पक्की है। माँ ये दूसरा कार्ड देखिए ना, कितना अच्छा है ना। हे माता रानी, अनु और अर्जुन के नाम जुड़ गए, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और कहाँ साइन करना बाकी? ठीक एक साल बाद के। अच्छा लॉयर, गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तुम्हीं ने कहा था ना, भरोसा सिर्फ इंसान पे किया जाता है, लेकिन धोखा भी इंसान देता है, कागज के टुकड़े नहीं। अब हमें साथ रहना होगा, और ठीक एक साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया, तुम भी कर दो। ग्रामोफोन ने तो चौथी कक्षा में भी 2 साल लगा दिए थे, और एक हम है कि शादी भी 1 साल में निपटा देंगे। सुपर फास्ट। देखो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी शादी झूठ होगी। जिसका सच इस पेपर पे लिखा है, जो हमें हर दिन याद दिलाता रहेगा, ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए, इसके बाद तुम अपने रास्ते। और आप अपने। देखो बिलीव मी, ये सही तरीका है। एक आखिरी सवाल भी करें आपसे, आप हमारे बाबा को छुड़ा तो लोगे ना? मैं तुम्हारे बाबा को छुड़ा लूंगा, ये मेरा वादा है।
ये वाली दिखाइए। ये है वो अंगूठी मेरी। बहुत खूबसूरत है। अनु बेटा देख तो ये अंगूठी। अनु देखना। इतना घिसा पिटा डिजाइन, ये तो आंटीज पहनती हैं। आई मीन अनकूल आंटीज, और आप तो इतना कूल हो। अनु ये क्या कर रही है? माजी ने ये अंगूठी तेरे लिए बहुत पहले से ही पसंद की थी। तो खुद पहन लेना, मुझे क्यों चिपका रही है? मैं तो यही रिंग लूंगी। कोई बात नहीं, माँ अगर अन्नु को ये डिजाइन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा डिजाइन पसंद कर लेना। हाँ हाँ देखो, आप कुछ और दिखा। मुझे आप भी पसंद है और आपकी ये पसंद भी पसंद है। अरे पर अभी अभी तो तू कह रही थी कि तो मजाक मजाक। अच्छा अम्मा, लगता है बहुत मजाकिया लड़की है ये। अब इसे पैक कर दीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए मैम। कल्पना थैंक यू। देखो लोगों की नजरों के सामने एक असली शादी होगी, और एक असली शादी दुल्हन के जोड़े के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए देखो मैं ये सब के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। सोचा था जो भी मेरी शर्त मंजूर करेगा उसे ये दे दूं। हमारी नकली शादी के दिन प्लीज इसे पहन के जरूर आना। देखो मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए अजीब है, क्योंकि शादी का जोड़ा तो लड़की नॉर्मली खुद चुनती है। मेरी मॉम ने मुझे समझाया कि शादी का जोड़ा लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कोई और मंगवा। चलिए आप लोगों का बैग चेक करना पड़ेगा। है? ये क्या हो रहा है? अरे ये की पीपड़ी काहे बच पड़ी? माफ कीजिएगा, आप में से किसी के बैग में हमारा ज्वेलरी पीस है शायद। ये क्या कह दिया श्रीकांत जी आपने? हमें शोरूम में तब से आ रहे हैं जब से आपके पिताजी यहाँ बैठा करते थे। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। ठीक है आप जा सकते हैं प्लीज। नहीं, जहाँ शक हो वहाँ न संबंध रहते हैं न सम्मान, और हमें दोनों बहुत प्रिय है। आप तलाशी लीजिए। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? अन्नपूर्णा अवस्थी की इज्जत का सवाल है, आप तलाशी लीजिए। ये लीजिए। देख लो, हमको किसी का डर मारा है का? हर लड़की के लिए
उसकी शादी का जोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस जोड़े में एक दुल्हन नहीं सजती, उसकी जिंदगी भर के सपने सजाती है। लेकिन हमारे पास ना तो माँ है, ना पापा, ना परिवार। सर, इन मैडम के बैग से मिली है अंगूठी। अरे अरे, ससुरी अंगूठी के पैर है का? अम्मा हम हमको माफ कर दो। श्रीकांत जी, हमें भी माफ कर दीजिए और इस अंगूठी का बिल बनवा के दीजिए हमें। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अन्नपूर्णा जी, कभी कभी होता है ऐसा। अब कोई बात नहीं, आप प्लीज जा सकते हैं। प्लीज हमारा बैग भी रख लोगे का? बच गई। रही बात अंगूठी की, तो वो तो मैं अर्जुन से ले ही लूंगी, होने वाली वाइफ हूँ। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, हर लड़की के लिए उसकी शादी का जोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माँ का प्यार, पापा का आशीर्वाद, परिवार की दुआएं, इन सबको एक दुपट्टे में समेटकर अपने सर से ओढ़ लेती है। इस जोड़े में एक दुल्हन नहीं सजती, उसकी जिंदगी भर के सपने सजाती है। लेकिन हमारे पास ना तो माँ है, ना पापा, ना परिवार, और ना ही ऐसी उम्मीदें सजाने का टाइम। मैं कोर्ट से परसों की डेट ले लूंगा और कल हम स्वामी जी से मिलने जाएंगे। उनका केस स्टार्ट करने से पहले मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। अरे वाह, फर्स्ट प्राइज विनर। खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा, इसे हम मंदिर लेके चलते। मंदिर क्यों? माँ अपने बच्चों की तरक्की और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत खुश होती है, इसलिए आज के बाद तू जो कुछ भी नया खरीदेगी सबसे पहले हम मंदिर लेकर जाएंगे, यहाँ तक कि तेरी शादी का जोड़ा भी। शायद अब हमें इस शादी के जोड़े में नहीं देख पाएंगे पापा। अरे मिश्री, मेरी शादी के जोड़े के सामने तेरा जोड़ा तो फीका ही पड़ गया। तू किससे शादी कर रही है? बिल्कुल राजकुमार है, पर तूने तो तेरे जैसे ही किसी को चूज कर लिया होगा ना। मेरी शादी एक ग्रैंड इवेंट होगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में पब्लिश होगी। मेरी शादी होगी पर उससे नहीं, किसी और से, और वो भी सिर्फ एक साल के लिए। मम्मी को जरूर दिखाएंगे। मुश्किल होगा पर हम अकेले जाएंगे मंदिर, और मम्मी से ये भी कहेंगे कि इस शादी से जुड़ा हमारा मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अरे मिश्री, मेरी शादी के जोड़े के सामने तेरा जोड़ा तो फीका ही पड़ गया। तू किससे शादी कर रही है? बिल्कुल राजकुमार है, पर तूने तो तेरे जैसे ही किसी को चूज कर लिया होगा ना। मेरी शादी एक ग्रैंड इवेंट होगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में पब्लिश होगी। मेरी शादी होगी पर उससे नहीं, किसी और से, और वो भी सिर्फ
एक साल के लिए। अरे मिश्री, मेरी शादी के जोड़े के सामने तेरा जोड़ा तो फीका ही पड़ गया। तू किसे शादी कर रही? बिल्कुल राजकुमार है, पर तूने तो तेरे जैसे ही किसी को चूज कर लिया होगा ना। मेरी शादी एक ग्रैंड इवेंट होगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में पब्लिश होगी। मेरी शादी होगी पर उससे नहीं, किसी और से, और वो भी सिर्फ एक साल के लिए।